शेख एक जोड़ा है, एक मियाँ बीवी है, और वो दोनों एक तलाक पे 3 इद्दत के बाद अलग हो गए, और वो बीवी अपने दिल से दूसरे आदमी से निकाह कर लिया उसने, ये नीयत से कि वो साथ में रहूंगी, और ये सोच के उसने निकाह कर लिया। लेकिन उन दोनों के बीच कुछ अच्छा संबंध नहीं बन सका और वो दोनों तलाक लेके 3 महीना इद्दत गुजार के अलग हो गए। अब वो बीवी वापस पहले शौहर के पास आना चाहती है और वो निकाह भी कर लिया उसने, तो उस उन दोनों वापस जो पहला जोड़ा वापस बन गया है शादी में, तो उन दोनों के पास अब 2 तलाक का इख्तियार होगा या फिर वापस से 3 तलाक का इख्तियार होगा, मतलब 3 तलाक बचे होंगे या फिर 2 बचे होंगे। क्लियर है सवाल आपका? क्लियर है, बहुत क्लियर सवाल आपका। जो सवाल जिन अल्फाज में जिन तफसीलात के साथ आपने सवाल किया है, अगर वो तफसीलात सही है तो उसका जवाब ये है कि वो बीवी जो पहले शौहर से जाकर के दोबारा निकाह की है और अभी तक उन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 तलाक हुआ है, अब उनके पास 2 ऑप्शन और बचे हैं। पहला, 3 ऑप्शन होते हैं तलाक में, पहला ऑप्शन वो दोनों इख्तियार कर चुके हैं, उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शन और बचा हुआ है। जी ठीक है, समझ गया। अच्छा शेख, मैं एक वजाहत यहाँ और चाहता हूँ कि अपने डाउट क्लियर करने के लिए, कि इन्होंने पहले शादी किया था और किसी वजह से तलाक हो गई, 1 तलाक की वजह से इद्दत पूरी हुई और उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, और उसके बाद दूसरे मर्द से शादी हो चुकी है, प्री प्लान नहीं बल्कि जैसे शादी होती है उन्होंने शादी कर लिया और बगैर किसी इत्तेफाकिया मसले के वहां पर भी इख्तलाफ हुआ, कुछ मसला हुआ और वहां भी तलाक हो गया या खुला हो गया, जो भी हो, रिश्ता नहीं बन सका और नियत नहीं थी तोड़ने की, लेकिन ऐसा वक्त आया या ऐसा हादसा हुआ कि नहीं रह सके वो लोग और खुला हुआ तलाक हो गया, फिर वापस आए यहाँ पर, पहला रिश्ता जो पहले शादी हुई थी या जहां से तलाक हुआ था, यहाँ उनके लिए जवाज का रास्ता मिला कि हम यहाँ दोबारा निकाह कर सकते हैं, उन्होंने वली की रजामंदी के साथ में घर वालों की तमाम निकाह के जो शरायत है उन तमाम शरायत के साथ में उन्होंने निकाह कर लिया, तो क्या अभी वो तलाक जो एक मरतबा फर्स्ट काउंट की गई थी, क्या अभी ये तलाक को यहाँ वापस भी काउंट किया जाएगा या कि आप इसको एक ही शुमार यहाँ जब आपको मौका आएगा तलाक देने का तो फिर से स्टार्ट करेंगे? हाशिम भाई, आपने बिल्कुल उन्हीं का भाई का सवाल ही दोहराया है, शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 2 बात समझिए, ये दोनों बातें अगर एक साथ समझेंगे तो मसला एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये कि अभी जो पहला तलाक उनका हुआ था, 1 ही तलाक हुआ है उनका जी, और 1 तलाक होने के बाद वो औरत जब इद्दत गुजार रही होती है तो इसको रजई तलाक कहते हैं। देखिए, ऑडियो बंद करें प्लीज। जी जी, माफी चाहती हूँ। पहली तलाक होने के बाद वो औरत अगली 3री माहवारी तक इद्दत में होती है और इसे तलाक रजई कहा जाता है जी। उसका जो शौहर है, अगर वो चाहता तो उसी इद्दत में, इद्दत खत्म होने से पहले उससे रुजू कर लेता और बीवी बन जाती दोबारा वो, लेकिन उसने रुजू नहीं किया और उस औरत की इद्दत खत्म हो गई, 3री माहवारी आ गई, खत्म हो गई, इद्दत से बाहर हो गई। अब वो औरत जब इद्दत से बाहर हो गई, अब आप फर्ज कीजिए कि वो औरत दोबारा पहले शौहर के पास जाना चाहती है शादी करके, तो कैसे जाएगी, उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि वो औरत पहले शौहर से निकाह कर ले, किसी तीसरे आदमी को दरमियान में लाने की जरूरत ही नहीं है जी। क्योंकि अभी 1 ही तलाक हुई है, ये जो दूसरा आदमी आया है ठीक है, इत्तेफाकन आया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो औरत चाहती और वो मर्द राजी होता दोनों की रजामंदी से, निकाहे जदीद के जरिया से वो दोनों दोबारा मियां बीवी बन जाते और ये जो दोबारा शादी होती ये मुकम्मल तौर से नया निकाह होता, जैसे एक नई शादी होती है तमाम अरकान व शुरूत के साथ, गोया की एक नई शादी होती, ठीक है। तो उसके जाने का एक तरीका ये था, लेकिन वो गई नहीं, वो
जाकर के किसी और से उसने शादी कर लिया। अब जो दूसरी शादी उसने किया है उसमें आपको हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसने किस नियत से किया था, क्योंकि यहाँ पर तहलील का मसला नहीं है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आजकल हमारे समाज में से इसी को गलत डायरेक्शन में जाकर के लोग बोलते हैं कि हलाला जायज है इस्लाम में, इसलिए मैंने कहा कि नियत का ऐसा कोई दखल नहीं। जज़ाकुल्लाह खैर। तो वो उस औरत ने बाद में जाकर के किसी और मर्द से शादी की और वहां पर भी इत्तेफाक से उसका नहीं बना और तलाक हो गई। अब वो दोबारा जब इद्दत गुजारने के बाद, दूसरे शौहर की तलाक की इद्दत गुजारने के बाद, वो दोबारा से पहले शौहर से जाकर के शादी करती है नए सिरे से। अब ये जो नए सिरे से शादी कर रही है तो जो पहली तलाक उसकी है वो काउंट होगी, उसकी वजह क्या है? अब यहां से समझ, काउंट तो होगी लेकिन नया निकाह हुआ है, नया नए शुरू जो है एकदम शुरू से। जी मैं उसी नुक्ते पर लाना चाह रहा हूं मैं आपको। जी उसकी जो पहली तलाक है वो काउंट होगी। वो क्यों काउंट होगी? इसलिए काउंट होगी कि ये जो इसकी दूसरी शादी हुई थी, क्या दूसरी शादी का पहले शौहर को हलाल करने में कोई दखल है? नहीं, नहीं है ना। जब गोया की दूसरी शादी का पहले शौहर के लिए हलाल होने में कोई दखल ही नहीं है। अगर उसका दखल होता, अगर उसका दखल होता तो हम कहते कि उसने दूसरी शादी में पहले वाले तलाकों को हत्म कर दिया। इसको फिकह की इस्तिलाह में, फिकह की किताबों में आपको यह मसला मसअलतुल हत्म से मिलेगा। मसअलतुल हत्म इसको बोलते हैं तलाक के बाब में। तो दूसरी शादी का पहली शादी को हलाल करने में कोई दखल नहीं है, गोया की जो दूसरी शादी है वो कल आदम है पहले शौहर के लिए। पहले शौहर के लिए वो दूसरी शादी की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा वो पहली जो तलाक है वो काउंट होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर तीन तलाक तीन सिस्टम से दिया गया होता, रजई तलाक नहीं होती ये, तो क्या वो वापस से इस तरह का मतलब वो दोबारा निकाह करती दूसरी जगह पर, फिर अगर तलाक खुला हो जाता तो क्या यहाँ से भी अभी भी काउंट होता या कि नया? नहीं काउंट होता। देखिए अगर मान लीजिए उस औरत को तीन बार तलाक हुआ होता सिस्टम के एतबार से, और फिर जाकर के वो किसी दूसरे मर्द से शादी करती, इत्तेफाकिया, फिर इत्तेफाकिया उसकी तलाक हो जाती, फिर वो दोबारा पहले शौहर के पास जाती, तो अब वो नए सिरे से जाती, क्योंकि उस दूसरे शौहर ने अब उसको हलाल किया है पहले वाले के लिए। तो दूसरी शादी का दखल है पहली उस शादी को हलाल करने में, लिहाजा यहाँ पर वो हत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा।